हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रोहित कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा होगी एक ऐसे यूट्यूबर की जिसने सक्सेस तो खूब कमाई, लेकिन क्या उसने यूट्यूब से अर्निंग की? उसकी हालत देखकर हमें और आपको हर किसी को लगता है कि शंका होती है कि उसने यूट्यूब से इनकम कमाई क्या। चैनल भी मोनिटाइज रहा, अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, व्यूज अच्छे खासे आते थे। जी हाँ दोस्तों, आर राजेश ब्लॉग में उनके साथ में रहने वाले, शुरुआत करने वाले रोहित कुमार की। जी हाँ दोस्तों, आर राजेश ब्लॉग और रोहित ने साथ मिलकर यूट्यूबिंग स्टार्ट की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पहले आर राजेश ब्लॉग से रोहित अलग हो गए, ये कहकर कि वे यूट्यूब की जो भी अर्निंग होती है उसमें हमें 0% हिस्सा देते हैं। यह क्या बात सच है? उनकी इसी बारे में हम आज देखें, उनकी फैमिली से मिलेंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे, उनके परिवार में कौन कौन है, उनके रिश्तेदारों से, उनके इवन घर को भी हम देखेंगे कि उनका घर कैसा है। अगर उन्होंने यूट्यूब से इनकम की है तो उनका घर भी अच्छा खासा होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आज पूरी तरह से एक्सपोज होंगे रोहित कुमार आर राजेश ब्लॉग से छोड़कर जाने वाले और पंकज रोहित का जो नया ब्लॉग चैनल चालू हुआ है उसमें एक पंकज नाम के यूट्यूबर हैं जिन्होंने यूट्यूबिंग में रोहित के साथ पार्टनरशिप की और यूट्यूब चला रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये आप रोहित कुमार का घर देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घर है उनका, एक छोटा सा घर है 2 कमरे का जामताड़ा में, उनका झारखंड में जामताड़ा में उनका घर है। तो ये उनका घर रहा, ये उनका देख रहे हैं कि चूल्हे पे खाना आज भी बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे चूल्हे में खाना बन रहा है। और ये उनकी माँ हैं जो काफ़ी अरसे से बीमार चल रही हैं, जिनका भी हाल ही में इलाज अपेंडिस का ऑपरेशन भी हुआ है। और ये उनकी सिस्टर हैं। मैं आपको बता दूं कि रोहित की 3 बहनों में सबसे छोटे हैं, यानी कुल मिला के 4 लोग हैं, 3 बहनें और 1 भाई, जिसमें रोहित सबसे छोटा है। और उसने आर राजेश ब्लॉग से यूट्यूबिंग की शुरुआत करी। उनका कहना है कि यूट्यूबिंग आर राजेश ब्लॉग में हमने ही स्टार्ट करी। और ये हालत उनकी देखकर आपको क्या लगता है कि उनको आर राजेश ब्लॉग यूट्यूब से इनकम देते रहे होंगे कि नहीं देते रहे होंगे? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि जो उनकी हम अपने आंखों से हालत देख रहे हैं इसके अनुसार हमको 1% भी भरोसा नहीं है। जैसे आर राजेश ब्लॉग ने कहा कि नहीं, हम उनको फैमिली सपोर्ट करते थे, उनको पैसे की अगर जरूरत होती थी तो हम देते थे, लेकिन इस चीज को देखने के बाद हमें तो नहीं लग रहा है कि वो आर राजेश ब्लॉग उनको अपनी इनकम से, यूट्यूब की इनकम से 1 रुपए भी देते रहे होंगे।